पिछड़ी जाति के समाज के लोगों को तुमने चूहा कहा है, तो कंगना रनावत तुमने उन्हें अब्यूज़ किया है, पिछड़ी जाति के लोगों को बुरा बोलने के लिए कंगना रनावत तेरा मुंह काला। अगर तुम इंसान हो तो उन सब से माफी मांगो। हर इंसान एक समान है, जब ऊपर वाला ईश्वर हर एक इंसान को सूरज की किरणें और चांद की रोशनी देता है, तो कंगना रनावत तुम कौन होती हो? इंसान जातियों को अलग अलग करने वाली और ऊंच नीच में भेदभाव करने वाली तुम कोई नहीं हो, इसलिए तुमने पिछड़ी जाति के लोगों को चूहा कहा है, चूहिया तुम हो। सो चूहे खाके हज को चली कंगना रनावत, तो तुम हो चूहिया, ना कि हमारे लोग हैं। हिंदुस्तान का संविधान पढ़ो, आज तुम आज़ाद हो, बिकॉज हमारा संविधान स्ट्रांग है। डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर जी ने जो नेक काम किए हैं, जो संविधान को लाए हैं, जो बदला है, वो कोई नहीं कर सकता। जय भीम। पुराने जमाने में औरतें हस्बैंड के मर जाने के बाद सती की जाती थी, उनके बाल निकाल दिए जाते थे। आज तुम आज़ाद हो क्योंकि हमारे लिए संविधान है, हमारे लेजेंडों ने हमारे लिए बलिदान दिया है, और तुम हमारे पिछड़ी जाति के लोगों को, हमारे समाज को तुम अब्यूज़ करती हो। ये मत भूलो कि तुमने झांसी की रानी के ऊपर फिल्म बनाई थी। कौन थी वो? वो भी पिछड़ी जाति की एक महिला थी जिन्होंने युद्ध किया था अपने लोगों के लिए। भूल गई? उसके लिए तुमने काफ़ी अवार्ड बटोरे हैं, तुमने काफ़ी पैसे कमाए हैं, तो अब्यूज़ करना बंद करो। माफ़ी मांगो हमारे लोगों से, हिंदुस्तान से माफ़ी मांगो। तुम्हें मौका देते हैं, माफ़ी मांगो। तुम्हें सिर्फ अधिकार है नेपोटिज्म और सुशांत की न्याय के बारे में आप बात करो, हिंदुस्तान के संविधान के बारे में, हिंदुस्तान के लोगों के बारे में, हिंदुस्तान के लेजेंडों के बारे में जब तुम्हें पता नहीं है तो उसके बारे में बात मत करो तुम, ठीक है? तुम आरक्षण को ख़त्म करना चाहती हो, तुम संविधान को बदलना चाहती हो, तुम जैसे लोगों का मुंह काला हो, और हम जैसे लोग ये नहीं होने देंगे, हम देश के साथ हैं। कंगना सावित्रीबाई फुले जी को आप जानती हो कि नहीं? मुझे नहीं पता, बट इस देश में सबसे पहले जो महिलाओं के लिए स्कूल है उन्होंने खोला था। तो आज तुम पढ़ लिख कर इतना चबड़ चबड़ करती हो, तो तुम्हें उन्हें धन्यवाद देना चाहिए, उनकी आरती उतारनी चाहिए, उनको पूजा करनी चाहिए, क्योंकि पिछले जमाने जो पहले हुआ करता था कि औरत विधवा हो जाती तो उन्हें कोने में बिठा दिया जाता था, उनका खाना पीना अलग हुआ करता था, उनके बाल मुंडवा दिए जाते थे, उनको सती कर दिया जाता था, औरतों के लिए कोई भी सुविधाएं नहीं थी। तो इनका शुक्रगुजार करो कि आज तुम आज़ाद हो, सब फीमेलें आज़ाद है। इतिहास पढ़ो, अगर दिमाग में बुद्धि काम नहीं कर रही है, इतिहास पढ़ोगे तो पता चल जाएगा कि सावित्रीबाई फुले जी ने कितने अच्छे काम किए। कंगना रनावत संविधान पढ़ो, संविधान नहीं होता तो तुम्हें जौहर करना पड़ता, और अनफॉर्चुनेट अगर तुम विधवा हो जाती तो तुम्हें सती हो जाना पड़ता, एक कोने में बैठे रहना पड़ता, संसार से अलग कर दिया जाता, और तुम दूसरी शादी भी नहीं कर सकती थी। इसीलिए संविधान पढ़ो, सोचे समझे बगैर मत बोलो। संविधान ना होता तो आपको सती कहलाना पड़ता, संविधान ना होता तो आप ये पढ़ लिख कर स्कूल भी नहीं जा पाती, कुछ नहीं कर पाती, यहाँ तक जो बॉलीवुड में आके जो तुम स्टार बनी हो, हम बने हैं स्टार, जितने भी स्टार बने हैं लोग, संविधान नहीं होता तो इतने कामयाब भी हम नहीं होते, और महिलाएं खास करके इतनी आगे नहीं बढ़ पाती। बहुत सारे लोगों की माओ ने बर्तन मांझ कर, सड़कों पर झाड़ू लगाकर अपने बच्चों की परवरिश करी है, तो उन लोगों को तुम अब्यूज़ मत करो। ईश्वर न करे कि तुम्हारी माँ ने ऐसा कुछ तुम्हारे लिए किया हो
लोगों के बर्तन मांझकर, सड़कों पर झाड़ू लगाकर, लोगों के टॉयलेट धोकर तुम्हें पढ़ाया हो। अगर तुम्हें अच्छी परवरिश मिली है तो वो संविधान को धन्यवाद कहो, ईश्वर को धन्यवाद कहो। जो दूसरों को, पिछड़ी जाति के समाज को तुम अब्यूज मत करो। झांसी की रानी में जो असली किरदार जो निभाया था उज्जलकारी बाई, वो एक बहुजन समाज की बेटी थी जो अपने लोगों के लिए लड़ी थी। तो क्या ये आप भूल गई? तो आप सुशांत के लिए न्याय मांगो, उसके खूनी को तो हम भी ढूंढ रहे हैं। 4 फोटो मोदी जी के साथ क्लिक कराने से आप देश के प्रधानमंत्री नहीं बन जाएगी। तुम 4 फोटो तुमने क्लिक कराए, हम तो मोदी जी के पास उधर जाके हम उनको खुद मिलकर आए हैं। मोदी जी से एक बार नहीं, 2-3 बार हम मिले हैं, लेकिन हमने कभी नहीं सोचा कि हम देश को हाथ में ले लेंगे। मोदी जी के साथ 4 फोटो खिंचवाने से, मोदी जी को 2-4 बार मिलने से तुम खुद को प्रधानमंत्री समझ के बैठी हो क्या? गलतफहमी में जीना बंद करो कंगना रनावत।